नमस्कार, मैं हूँ काव्या तिवारी और आप देख रहे हैं काव काव न्यूज़। दुनिया में डॉक्टर्स को बहुत सम्मान दिया जाता है और भारत में तो उन्हें पूजा जाता है। वैसे तो इंसान इस काबिल नहीं कि उसकी तुलना भगवान से की जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने अपने काम के जरिए यह दर्जा हासिल किया है। डॉक्टर्स की उनके कार्य के प्रति लगन और ईमानदारी को सलाम करने के लिए भारत में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पहला डॉक्टर्स डे 30 मार्च 1933 को विंडो जॉर्जिया में मनाया गया था। जुलाई महीने का पहला दिन भारत में डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यह पौराणिक चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म व मृत्यु का एक अनोखा दिवस है, जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और उन्हें अपने दूरदर्शी नेतृत्व के लिए राज्य का वास्तुकार भी कहा जाता था। कांग्रेस नेता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और 1993 के दशक में महात्मा गांधी के नागरिक आंदोलन में भी शामिल हुए थे। डॉक्टर रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और 80 साल बाद उसी तारीख को उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें 4 फरवरी 1961 में भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत सरकार ने 1 जुलाई को डॉक्टर रॉय के सम्मान के रूप में डॉक्टर्स डे की घोषणा की थी। मैं डॉक्टर एन के गुप्ता बरेली से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का चेयरमैन बोल रहा हूँ। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, बरेली वासियों से भी आग्रह करूँगा और सुझाव दूँगा कि ताज़ा खाना खाएँ, बासी गला खाना खाएँ और नॉन वेज को छोड़ कर के कर महीने वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन लें और इससे बचें, पानी अधिक से अधिक पिए, ब्लू से बचें। डॉक्टर डे पर डॉक्टर साहब क्या शुभकामनाएं अपने साथियों को देना चाहेंगे, जूनियर डॉक्टर्स को? मेरी यही शुभकामनाएं हैं, स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन बिताएं, स्वस्थ शैली को अपनाएं, योग क्रियाएं वगैरह करें। मैं डॉक्टर परमेंद्र महेश्वरी हूँ, नमस्कार, अध्यक्ष हूँ IMA ब्रांच बरेली का और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हड्डियाँ शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो आपको अपनी बोन्स का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों की कमर में या पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो कैल्शियम लॉस की वजह से या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है। तो अपना बहुत ध्यान रखिए, जिसमें डाइट में दूध दही और कैल्शियम से भरपूर चीज़ें होनी चाहिए। नॉनवेज या अंडा भी खा सकते हैं लोग, और व्यायाम करें और अपने स्किन को धूप का एक्सपोजर दें। धूप शरीर पर लगने से हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। एक संतुलित खानपान, व्यायाम और कोई भी व्यसन न करेंगे तो आपकी हड्डियाँ कभी भी कमज़ोर नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर्स डे पर साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स डे पर? डॉक्टर्स डे पर सबसे पहले मैं बधाई दूंगा सारे डॉक्टर्स, सिर्फ आप ही लोगों से हैं, हम लोग आपकी सेवा करने के लिए हैं और अपने डॉक्टर्स को अपना मित्र मानिए, तभी वो आपकी सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, जीवनधारा अस्पताल बरेली, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। मेरी तरफ से सभी बंधुओं को डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता होता है, उम्मीद है सब लोग इस रिश्ते की गंभीरता को समझेंगे और डॉक्टर तो मन से इलाज करते ही हैं, जितनी जिम्मेदारी डॉक्टर की है उससे ज़्यादा मरीजों की भी है। गठिया और रीढ़ की हड्डी के दर्द में खासकर लापरवाही ठीक नहीं है। जैसे ही इस बीमारी की शुरुआत हो वैसे ही चिकित्सक से मिले, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर आप प्रारंभ में ही डॉक्टर से मिल लेते हैं तो आप बहुत बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानव जीवन में डॉक्टर के महत्व को दर्शाने के लिए भारत में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। कई अन्य देशों में भी डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। शोध के मुताबिक देश में प्रति 1 लाख की आबादी पर 80 एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी डॉक्टर्स हैं। अगर पड़ोसी मुल्क चीन से इसकी तुलना की जाए तो वहाँ ये आंकड़ा 130 डॉक्टरों का है। अगर मेडिकल क्वालिफिकेशन वाले डॉक्टरों की बात की जाए तो देश में प्रति 1 लाख आबादी पर ऐसे डॉक्टरों की संख्या कुल 36 है। अगर भारत में मौजूद डॉक्टरों की संख्या की बात करें तो यहाँ हालात और भी ज़्यादा ख़राब हैं। 2001 के आंकड़ों के मुताबिक 58 जिलों में एक भी डेंटिस्ट नहीं है। प्रति 1 लाख की आबादी पर
देश में कुल 2.4 डेंटिस्ट मौजूद हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस एक व्यक्तिगत जीवन और समुदायों के चिकित्सकों के योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। कुछ देशों में यह दिन छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से मृत चिकित्सकों की कब्र पर फूल रखे जाते हैं। ब्राजील में डॉक्टर्स डे 18 अक्टूबर को छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। क्यूबा में डॉक्टर्स डे 3 दिसंबर को छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। भारत में डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को महान चिकित्सकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग डॉक्टर्स की अहमियत को समझें। यह एक ऐसा दिवस है जो डॉक्टर्स को उनके काम के प्रति उनकी लगन को देखते हुए हर साल उनको सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। भारत में पिछले कुछ सालों में से अब तक मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी सुधार आए हैं। मैं डॉक्टर सुदीप सरन, मैं सरन हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो कि मालगोदाम रोड निकट रेलवे जंक्शन पर स्थित है, वहाँ फिजिशियन हूँ एवं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आप सब लोगों को मैं इस डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य पे अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम, हमारा समाज, हमारे समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, ईश्वर की कृपा रहे, बीमारियों से दूर रहे। इस अवसर पर मैं कुछ संदेश भी देना चाहूँगा। सबसे बड़ी जो देन है ईश्वर की वो है स्वस्थ स्वास्थ्य, और उसके लिए हमको अपना ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब मैं ध्यान की बात करता हूँ, मैं विशेष रूप से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में किसी व्यक्ति को कभी भी बीमारी हो सकती है। यदि हो तो तुरंत ही किसी कुशल डॉक्टर के पास जाके और शीघ्र ही संपर्क करें, अपने बीमारी को डायग्नोज कराएं और उसका समुचित इलाज लें। मैं डॉक्टर रवि खन्ना, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और नवजात शिशुओं का डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ बरेली में हूँ, NBCC के नाम से मेरा सेंटर है रामपुर गार्डन में। शाम को मैं मानस हॉस्पिटल के अंदर 9 बजे के बाद वहाँ बैठता हूँ। डॉक्टर्स डे पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये शुभकामनाएं जो हैं मेरी इस तरीके से हैं कि सब बच्चे निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, समय पर टीके लगवाएँ, जो कारण जैसे होते हैं जिस चीज़ से बचा जा सके वो निरोधात्मक कार्रवाई को रखें, जैसे कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, बच्चों को हाथ धोने को प्रेरित करें खाना खाने से पहले, और गर्मी के दिनों में खासकर बहुत एहतियात रखें जिनमें बहुत बीमारियां फैलती हैं। तो ये बच्चों को ये सब शुभकामनाएं हैं, आप सबको भी ये मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर्स डे पे। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डॉक्टर और जो मरीज से संबंध होते हैं उन संबंधों की मधुरता हमेशा बनाए रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नतीजे हमको नहीं मिलते हैं या हमको संतुष्टि नहीं मिलती है डॉक्टर से, तो आप भी समझे कि डॉक्टर भी इंसान हैं, वो अपनी भरचक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीमारी ही कुछ ऐसी जटिल होती है या उसकी जटिलताएं ऐसी होती हैं वो नतीजे नहीं आ पाते जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ पे आए होते हैं। ऐसे में संयम रखें, डॉक्टर से अपने बात करें और जैसा वो आपको कहें उसको हिसाब से उसको पालन करें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।